कैसे हो भाई लोग। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ बहुत हार्ड होने वाला है। सीजन 14 के लीक आ चुके हैं, 1 से लेकर 100 RP तक के जितने भी रिवॉर्ड हैं सभी इसमें देखेंगे हम। और इसमें आपको एस टीयर पे, गोल्ड टीयर पे जो भी चीज़ आपको आउटफिट या गन स्किन जो मिलने वाली है तो उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। अब मैं आपको इसमें सब चीज़ दिखाऊँगा। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है प्रियांग गेमिंग को, जिन्होंने ये सारी लीक्स निकाली हैं। वो उनका चैनल आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो भाई को सपोर्ट करो थोड़ा बहुत। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई लोग, सबसे पहले दिखाने वाला हूँ मैं आपको हेडगेयर, जो कि आपको गोल्ड टीयर पे मिलेगा, सबको मिलता है। तो गोल्ड टीयर पे ये वाला हेडगेयर मिलने वाला है, बहुत औसम है। उसके बाद में ये आउटफिट जो कि आपको प्लेटिनम पे मिलने वाला है, पिछले वाले के मुकाबले ये आउटफिट बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। अगला है ये M24 की स्किन, जो कि आपको मिलेगी डायमंड टीयर पे। जैसे सब स्किन्स मिलती हैं उसमें डायमंड टीयर में कोई ना कोई गन स्किन देते हैं, तो इस बार उन्होंने ये M24 की गन स्किन दी है। और ये पूरा का पूरा थीम ये सिल्वर कलर पे बेस्ड है, तो आपको ज़्यादातर जो इसमें चीज़ें दिखेंगी वो सिल्वर कलर की मिलेंगी, जैसे कि M24 में सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम अपने एस टीयर के पैराशूट की तरफ। तो एस टीयर में ये वाला पैराशूट आने वाला है। सीजन 13 में जो ग्रीनिश कलर का जो पैराशूट दिया था उसके मुकाबले ये बहुत बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लुक है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। और इसके बाद हम चलते हैं टायर वन के ऊपर। जो आपको एक सूट मिलेगा वो ये वाला सूट है, नाइट कमांडर सेट। ये अपग्रेडेबल सूट रहेगा, जैसे कि अभी पिछले सीजन में जो हमारा करंट सीजन चल रहा है सीजन 13, उसमें एक अपग्रेडेबल सूट आया था जिसको हमें फर्स्ट लेवल पे था, दूसरा अलग था और तीसरा उसमें क्रेट के अंदर था। तो ऐसे ये भी है, और इसका ये दूसरा वर्जन है, ये है ब्लैक कमांडर सेट। तो इसके अंदर गोल्डन इसके कंधों पे जो लगा दिए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद लास्ट है ये रेड कमांडर सेट, ये तो मिथिक है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लेकिन आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्रेट के अंदर, जो RP की क्रेट मिलती हैं आपको रिडीम करनी पड़ती हैं, तो उसके अंदर मिलेगा ये। ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं इस बार वाला भी नहीं कर पाया। तो इसके बाद हम चलते हैं अपना 100 RP का सूट। भाई बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है इसके अंदर, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पबजी वाले हमें एक मिथिक इमोट भी दे रहे हैं इसके साथ, जो कि हमें 95 RP के आसपास मिलेगा, ये वो इमोट है। और इसके साथ एक और इमोट है, वो शायद आपको पहले मिल जाएगा, वो भी मिथिक इमोट है। ये देखिए इमोट कितना अच्छा लग रहा है, और अगला इमोट भी बहुत अच्छा है, जो कि आपको शायद 40 RP के आसपास जो मिलता है मिथिक इमोट वही है, सॉरी 40 नहीं 70 या 80 के आसपास जो मिलता है मिथिक इमोट, ये वही वाला इमोट है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, एक बार आप देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। उसके बाद चलते हैं अपनी M4 की स्किन की तरफ, जो कि हमें अप्रॉक्स 90 RP पे मिलेगी, क्योंकि ये रेयर है काफ़ी। लेकिन इसके मुकाबले जो पहली M4 की स्किन आई थी वो बहुत अच्छी थी, जो सीजन 12 में आई थी वो काफ़ी अच्छी थी इसके मुकाबले, लेकिन ये भी ठीक ठाक लग रही है। M4 की स्किन तो वैसे भी M4 सबकी फेवरेट गन है, तो इसके मुकाबले बहुत अच्छी है, कुछ भी सही, लेकिन वो पहले वाली बहुत अच्छी थी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद एक और शॉटगन की स्किन देखी जाएगी इसके अंदर, जो कि हमें लगभग 60 RP के आसपास मिलेगी। ऐसी शॉटगन की स्किन अभी तक नहीं आई है, एक बार शायद रॉयल पास 2 या 3 के आसपास वो गोल्डन कलर की शॉटगन आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पहले भी चाहिए थी लेकिन मैं उसको ले नहीं पाया। तो अब ये वाली जो स्किन आई है ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको देख लीजिए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन बनाई हुई है, ऐसा जैसे कि एक बार उसमें आई थी AKM के अंदर, ऐसे उसमें रुई के मतलब धागे से लपटे हुए थे, तो ऐसी ही ये है, और एक बार शायद ऐसी गन आ चुकी है। तो एक ये है आपका पेन की स्किन है, पेन की स्किन शायद अप्रॉक्स ये 85 के आसपास मिलेगी, तो वहीं मिलती है। तो ये देखिए इसका ये थोड़ा ब्लू और डायमंड्स का कलर, डायमंड्स लगे हुए हैं बीच में, पेन इतना कोई खास नहीं लग रहा लेकिन ठीक ठाक है।
जो अपना मैंने आपको बोला था सिल्वर कलर पे थोड़ा बेस्ड है, तो ऐसे ही स्किन्स बना रहे हैं इसमें। और एक ये नेट की स्किन है, ये भी आपको मिलेगी, ये आई थिंक 45 या 40 आरपी के आसपास जो भी मिलती है अप्रोक्स वहाँ आसपास ही मिलेगी। उसके बाद में अगला देखते हैं हम, इसमें शायद एक पैराशूट है, पैराशूट हमको शायद 35 आरपी के आसपास मिलेगा, क्योंकि शायद 30 आरपी और क्लीन की स्किन मिलती है, लेकिन ये 35 आरपी के आसपास मिलेगा, ये आरपी में ही मिलेगा, मतलब रॉयल पास के अंदर ही मिलेगा, रॉयल पास का पैराशूट है ये, तो देख लीजिए एक बार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले आरपी सूट की तरफ, जो कि हमें 35 से या 45 के बीच में हमको मिलता है। तो ये वाला सेट है ब्लचर ऑफ स्कैल्बर सेट, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला सेट आपको 35 टू 45 के बीच में आपको मिलने वाला, जो कि सबको मिलता ही है। एक मतलब रॉयल पास के अंदर 3-4 ड्रेसेस आउटफिट आते ही हैं, तो उसमें से ये एक है। इसका काफ़ी मतलब लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें जो इसके हेयर हैं वो काफ़ी लंबे हैं, रेड कलर से हैं, बहुत अच्छा सूट है, एकदम काफ़ी मस्त लग रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, तो ये वाला है आयरन रूल सेट, ये ठीक ठाक है, बस क्या बताएं, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सिल्वर बेस्ड पूरी थीम जो डिज़ाइन करा गया है ये सिल्वर बेस्ड है, तो इसके अंदर भी आपको इसके शोल्डर पे ये सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी शाइनिश है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो सबकी फरमाइश पे थी वो थी दाशा की स्किन, तो देख लो भाई दाशा की स्किन ये होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जो करंट सीजन चल रहा है। मेरे को उसके अंदर भी दाशा की स्किन बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी निकल नहीं पाई है अभी तक, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके लिए, निकल जाएगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो डाइसिया की स्किन है ये आपको 30 आरपी के आसपास मिलेगी, लेकिन ये कंफर्म है जो रॉयल पास के अंदर मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं पबजी वाले हो भी सकता है क्रेट में दे दें, क्योंकि इस बार भी इन्होंने क्रेट में दे दी थी, लेकिन इस बार ये सोच रहे हैं कि मतलब एक गाड़ी की स्किन रॉयल पास के अंदर दी जाएगी, तो शायद ये वाली गाड़ी की स्किन है, और भी गाड़ी की स्किन्स आएंगी तो वो क्रेट्स में आएंगी। उसके बाद चलते हैं अपने बैकपैक की तरफ, ये फर्स्ट लेवल का बैग है, तो आप देख लीजिए 3-4 रॉयल पास से जो बैग की स्किन बिल्कुल घटिया आ रही थी, लेकिन इस बार बैग की स्किन उन्होंने बहुत अच्छी दी है। उसके बाद ये है इसका लेवल 2 का बैग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लेवल 3 का तो बहुत ज़बरदस्त है, लेवल 3 का बैकपैक तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लेवल 3 का है, पूरा रेड कलर का है, काफ़ी अच्छा। लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना आपको कौन सा बैकपैक अच्छा लगता है, कौन से मतलब पिछला जो अपना टेयर मतलब रॉयल पो गए हैं सीजन में है, तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है। उसके बाद चलते हैं अपने हेलमेट की तरफ, तो देखिए ये है फर्स्ट लेवल का हेलमेट, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर का बना हुआ है, तो इसमें शायद हमको परेशानी हो सकती है, जो लास्ट टाइम में घास में लेट जाते हैं बंदे, तो शायद मैं भी देख सकता है, अगर ये पिंक कलर देख गया तो बाबा कोई ना कोई हेडशॉट देगा, 100% देगा। उसके बाद में ये लेवल 2 का है, बहुत अच्छा लग रहा है लेवल 2 का, मैं भी पहले से जो लेवल 1 का है उससे बहुत अच्छा है लेवल 1 से, और उसके बाद ये लेवल 3 का पूछो मत यार, बहुत जहर है जहर। तो जैसे कि मैंने उसको पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, यही वाला हेलमेट था वो, आप उसको फुल इसका व्यू देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में आती है अपनी क्लीन स्किन, जो कि अपनी 35 आरपी से 45 के बीच में मिलती है, 35 मिल सकती है, वो सिक्वेंस इनका आगे पीछे होता रहता है, कहीं पे 35 पे देते हैं, कभी 30 पे देते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी की स्किन उसमें रॉयल पास में है कि नहीं, तो डिपेंड टू व्हीकल स्किन। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, रेडिश कलर की है, बहुत अच्छा बनाया प्लेन भी काफ़ी, तो उसमें लीक में जो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था उसमें रेवल नहीं हो पाई थी ये प्लेन की स्किन, तो देख लीजिए यह काफ़ी अच्छी लग रही है प्लेन की स्किन, बहुत अच्छी डिज़ाइन करी हुई है पिछले 2-3 सीजन से। और उसके बाद में आया है ये ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट ना आए ऐसा हो नहीं सकता, अब हर बार हर ईयर में हर उसमें रॉयल पास के अंदर ऑर्नामेंट दिया जाता है, तो ये देखिए इसमें थोड़ा घोस्ट का सा इसमें फेस बना हुआ है, इसका ऑर्नामेंट बहुत अच्छा है, पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा दिया है इस बार ऑर्नामेंट इन्होंने,
तो आप अपना ओपिनियन बताइए मेरे को कि ये लीक आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि सीज़न 14 में 1 to 100 RP तक कौन कौन से रिवार्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस सीज़न के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ व्हीकल्स की स्किन आ रही हैं, गन्स की स्किन आ रही है, तो पिछले वाले से काफ़ी अच्छा है ये सीज़न, आपके फुल पैसे वसूल हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, पास बेल आइकन उसमें ऑल को कर दें ताकि इससे क्या होगा हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।